अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। कांग्रेस ने कहा, सत्ता का लाभ उठाते हुए भाजपा कर रही सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तभी से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उनकी पार्टी के आयोजित कार्यक्रमों में भरपूर शासकीय कर्मचारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा में खुलेआम अधिकारी कर्मचारी भीड़ बढ़ने का काम कर रहे हैं। यह सरासर सत्ता का दुरुपयोग है। यहाँ तक के कलेक्टर भी इस काम में भारतीय जनता पार्टी की खुलेआम मदद कर रहे हैं। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानमा ने बताया कि 21 सितंबर को देवास में निकली भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा डाल टोपी लगाकर खुलेआम अपनी भागीदारी निभाई। वहीं जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने सरकारी आदेश जारी कर विभिन्न कार्यपालक दंडाधिकारी अपने अधीनस्थ स्टाफ तथा राजस्व निरीक्षक पटवारी का सहयोग लेकर जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी को लेकर संपूर्ण व्यवस्था के निर्देश दिए। सभी अधिकारियों को यात्रा के मार्ग की जिम्मेदारी सभी क्षेत्रों की राजस्व सीमा तक करने के निर्देश देते हुए अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी, जिसके अंतर्गत बसों की व्यवस्था, खाने के पैकेट, बसों के लिए डीजल, बसों का किराया, यात्रा में सम्मिलित माता बहनों एवं लोगों को वापस छोड़ना जैसी सभी जिम्मेदारी सौंप गई। यात्रा में आम नागरिकों की भागीदारी तो रहती नहीं है। आंगनबाड़ी सहायकों कार्यकर्ताओं से कहा जाता है कि आप अपने अपने क्षेत्र से अधिक महिलाओं को लेकर आओ। सभी को एक टारगेट दे दिया जाता है। इसी प्रकार कर्मचारियों को भी कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि आप यात्रा को सफल बनाएं। कांग्रेस ने मांग की है कि कुछ ही माह में प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। यह सरासर प्रजातांत्रिक भावनाओं के विपरीत है। इन यात्राओं से यह तो निश्चित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आयोजन में आम नागरिकों की कोई रुचि और भागीदारी नहीं है। जबरदस्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाकर भीड़ इकट्ठा की जाती है। कांग्रेस ने मांग की है कि कलेक्टर ने किसके कहने से इस तरह के आदेश जारी किए एवं एसडीएम स्तर के अधिकारियों की यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के विधायक के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से बधाई का विज्ञापन लगा रहे हैं। यह कर्मचारी जनता के लिए कम कर रहे हैं या सत्ताधारी दल के लिए, यह निंदनीय है। तरह के कृत्य की निंदा करती है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। मैं आश्चर्यचकित हूँ किस तरीके से सत्ता दल शासन और प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है। आज तक के इतिहास में कभी मध्यप्रदेश के इतिहास में देखने को नहीं मिला है। इस यात्रा का नाम जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, जबरन आशीर्वाद यात्रा होना चाहिए। किस तरीके से जबरदस्ती प्रशासन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जोर देकर महिलाओं को बुलाने का काम कर रहा है। नगर परिषद नगर निगम की गाड़ियां हैं, झंडे बैनर लगा रही हैं, गाड़ियों की व्यवस्थाएं एसडीएम महोदय कर रहे हैं। कलेक्टर के आदेश से कलेक्टर महोदय आदेशित करते जा रहे हैं सारे एसडीएमओ की समुचित व्यवस्था करना है। हर अनुभाग के अधिकारी मतलब एसडीएम साहिबान को आदेश निकाल दिए कलेक्टर साहब ने कि जन आशीर्वाद यात्रा आ रही है, इन सब की समुचित व्यवस्था करना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के दुपट्टे गले में डालकर जिस तरीके से प्रचार प्रसार खुलेआम कर रही हैं, ये क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ शासकीय मशीनरी से, समय बदलता है, सरकारें आती है सरकारें जाती है, इतना कृत्य ऐसा बुरा कृत्य इतना ऐसा काम न करें किसी पार्टी के लिए कि कल आपको जवाब देना पड़ जाए। मैं कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं, आप संज्ञान में लें। मैं मुख्य सचिव महोदय से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप संज्ञान में लें कि सरकारी कर्मचारी किस तरीके से किसी भी दल के दुपट्टे डालकर झंडे उठाकर काम कर रहे हैं, यह अशोभनीय है। कल से सरकार बदलेगी तो आपको फिर कांग्रेस के भी झंडे उठाना पड़ेंगे। क्या केवल शासकीय मशीनरी का काम यही रह गया है
कि जिस दल की सरकार हो उसके झंडे उठाए, ये कहां तक उचित है? एसपी महोदय, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपका एक पीआई विज्ञापन लगाता है एक बर्थडे पे विधायक के, सरासर खुलेआम लिखा हुआ आता है कि टीआई फलाने ने विज्ञापन दिया, जन्म की बधाई दी। अरे इतने ही प्रिय पात्र विधायक तो आप घर चले जाओ, मना नहीं है, पर लोकतंत्र का गला तो मत घोटिए। हम जानते हैं मोटी मोटी रकमें लेकर आपके सबकी पदस्थापना सत्ताधारी दल कर रहा है, पर याद रखिए चुनाव का समय है, ये सारी बातें संज्ञान ली जा रही है, ये आने वाले दिनों में शुभ संकेत नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं माननीय कलेक्टर महोदय से और एसपी महोदय से, आपके मध्यस्थ जितनी शासकीय कर्मचारी हैं इन सबको समझाइश दें कि जब शासन का काम हो तब तक तो ठीक है, परंतु किसी दल विशेष के कार्यक्रम में इस तरह से सम्मिलित होना यह एक आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन भी है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस कृत्यों से आप सबको बचना चाहिए, और वरना ज्यादा ही अगर शोक है तो आइए दो दो हाथ हो जाते हैं, आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, आके चुनाव लड़िए, सब सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यात्रा निकल रही है इन दिनों बीजेपी की, अभी काफी उसमें भीड़ नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए ये हास्यास्पद सवाल है, मेरे विधानसभा सोनगंज में पहुंची जब 50-60 लाख 50-60 लोग मुश्किल से थे, और यहाँ के जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं खंडेलवाल जी, वो देवास का फोटो, चूंकि वहाँ भीड़ थी नहीं तो सोनगंज के कार्यक्रम में देवास के फोटो पहुँचा रहे हैं कि बड़ी भीड़ थी, ये सरासर झूठ है। जन आक्रोश यात्रा हमारी जो चल रही है ना, उसमें हजारों हजार लोग आ रहे हैं। ये जन आशीर्वाद यात्रा में इन्हीं कैलाश विजयवर्गीय को नीमच के मनासा में 20 गाड़ियां इनकी लोगों ने फोड़ी, जो आक्रोशित भीड़ बैठी थी मानधाता ओंकारेश्वर के पास, तुलसी सिलाड़ वहाँ यात्रा लेके गए, उनको बैठा दिया, चुप कर दिया, बोलने नहीं दिया, उनको उल्टे पैर आना पड़ा। ऐसी कई जगह है जहाँ जन उनकी आशीर्वाद यात्रा को लोग धिक्कार रहे हैं, कई जगह पत्थर, मेरे क्षेत्र में कई बच्चों ने यात्रा रोक ली कि किस बात की आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। आप कह रहे हैं कि देवास के फोटो लगाए हैं, आप मान रहे हैं कि देवास में भीड़ थी? जो भी भीड़, इतनी भीड़, आंगनबाड़ी महिलाओं के फोटो भी हमने डाले, आंगनबाड़ी महिलाओं को लाके भीड़, टोपी लगा के आंगनबाड़ी की चिन्हित महिलाएं उनको बीजेपी की टोपी पहना के आगे आगे चला रहे हो, इसे यदि भीड़ कहते हैं तो हम कहते हैं कि बीजेपी वालों तुम खुश रहो, सीना फुला के घूमो, 2023 के विधानसभा चुनाव में हम बता देंगे। कलेक्टर मतलब बीजेपी का हथियार बन के देवास का काम कर रहा है, आदेश निकाल रहा है सारे एसडीएम को कि इस जन आशीर्वाद यात्रा की संपूर्ण तैयारी आप कराओगे, सारी व्यवस्थाएं आप कराओगे, सारी सिस्टम को आप जमाओगे, आदेश हमारे पास है। क्या बीजेपी की यात्रा को एक कलेक्टर एसडीएम इस तरीके से आदेश निकाल के उसे बढ़ावा दे सकते हैं क्या? ये तो चुनाव आयोग को हम भेज नहीं रहे हैं, ये तो कलेक्टर एसडीएम सारे सस्पेंड हो जाए कि किस तरह बीजेपी को प्रत्यक्ष रूप से आप मदद कर रहे हो। भैया आज एक मामला हो रहा है कि एक थाना प्रभारी द्वारा विज्ञापन जारी किया गया विधायक, ये भी मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ हार्ट पिपलिया के विधायक मनोज चौधरी हैं, बरोठा के एक टीआई हैं, उन पर मनोज चौधरी ने कहीं मेहरबानी करी होगी, उनको पोस्टिंग दिला दी होगी, इतना नीचे गिर के वो व्यक्ति टीआई थानेदार जो भी है संविधान की कसम खा के आदमी अपने सिर पे पुलिस की वो केप लगाता है कि मैं हर वर्ग के साथ न्याय करूंगा, संविधान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा निष्ठा रख के मैं अपने सर्विस आम जनता को दूंगा, एक विधायक बीजेपी का उसके लिए विज्ञापन जारी कर रहा है वो थानेदार, ये मनोज चौधरी जी को जन्मदिन की बधाई, ज़्यादा प्रेम आ रहा भैया थानेदार तुझे, तो उसके घर जाके मिठाई का डब्बा ले जा, वहाँ जाके गले में 10 फूल माले डाल दे, पर ये क्या एसपी नहीं देख रहे हैं, कलेक्टर को दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बीजेपी की टोपी पहन के चल रही, एक थानेदार विज्ञापन दे रहा है, कुछ नहीं होगा, कांग्रेस डंके की चोट में 5 सीट जीतेगी देवास की।